नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Xiaomi Redmi 9 Prime versus Realme C11 2021 का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Redmi 9 Prime में 6.43 इंच जबकि C11 2021 में 6.5 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो Redmi 9 Prime में 3.03 इंच जबकि C11 2021 में 3.01 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि Redmi 9 Prime से कम है। बात करें थिकनेस की तो Redmi 9 Prime में 0.36 इंच जबकि C11 2021 में 0.35 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि सेम जैसी ही है। अब बात करते हैं वेट की तो Redmi 9 Prime में 198 ग्राम्स जबकि C11 2021 में 190 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही Redmi 9 Prime में 19:5:9 जबकि C11 2021 में 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Redmi 9 Prime में 6.53 इंचेस जबकि C11 2021 में 6.5 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Redmi 9 Prime में 1080x2340 और C11 2021 में 720x1600 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Redmi 9 Prime में 83.06% जबकि C11 2021 में 80.82% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Redmi 9 Prime में 395 पिक्सेल प्रति इंच जबकि C11 2021 में 270 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Redmi 9 Prime में 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और C11 2021 की बात करें तो इसमें भी हमें 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि सिंगल प्राइमरी कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो दोनों फोन में 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Redmi 9 Prime में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और C11 2021 में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 2 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Redmi 9 Prime में Mali G52 जबकि C11 2021 में Mali G52 MC2 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Redmi 9 Prime में MediaTek Helio G80 और C11 2021 में Unisoc SC98631 मिलता है। बात करें RAM की तो Redmi 9 Prime में 4 GB की RAM मिलती है जबकि C11 2021 में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 2 GB 4 GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो Redmi 9 Prime में 128 GB की स्टोरेज मिलती है जबकि C11 2021 में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 32 GB 64 GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी की बात करें तो Redmi 9 Prime में अप टू 512 GB जबकि C11 2021 में अप टू 256 GB है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो Redmi 9 Prime में Android V10 Q जबकि C11 2021 में Android V11 देखने को मिलती है। बैटरी Redmi 9 Prime में 5020 mAh जबकि C11 2021 में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो
Redmi 9 Prime में 4 कलर्स जबकि C11 2021 में 2 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Redmi 9 Prime में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है जो कि 4GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 12,499 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें C11 2021 की तो उसमें दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं जो कि 2GB रैम 32GB स्टोरेज के साथ 7,945 रुपीस, 4GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ 8,799 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो दोनों फोन में 4 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है। मेन कैमरा में Redmi 9 Prime आगे है। फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है। परफॉर्मेंस में Redmi 9 Prime आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Realme C21Y है जो कि 9,999 रुपए में मिलता है। दूसरा Xiaomi Poco M2 है जो कि 11,499 रुपए में मिलता है। तीसरा Xiaomi Redmi 9 Power है जो कि 10,499 रुपए में मिलता है। और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Vivo Y20 है जो कि 12,494 रुपीस में मिलता है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।